अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज पूरे दिन में मास्क को खींचने वाली हो नहीं, ऐसा नहीं है। आज पूरे दिन मैं मामा के साथ और मेरी कज़न के साथ अपने बाग में जा रही हूँ, और वहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़न करेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में मेरे साथ एंड तक। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरे घर का गेट है और मेरा घर दिखाती हूँ अभी बाहर से। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ और मैं अभी चल रही हूँ मामा के पीछे पीछे। मामा मेरा वेट कर करके थक गई और इसलिए वो निकल गई आगे। अब उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि आजा, हम आगे वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं मामा के पास जाती हूँ भाग भाग के, और आपको मैं घर दिखाती हूँ और मिलते हैं अब वहाँ पर। है मेरा घर, बट यहाँ से ये दिख नहीं रहा। तो गाइज, आधी मंजिल मैंने पार कर ली है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी तक मैं नहीं पहुँची। सही सलामत मैं उधर तक पहुँचूँगी भी कि नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। मामा सामने वेट कर रही है, चलती हूँ। मामा ने मुझे धोखा दे दिया। जहाँ पे मामा ने बोला था मैं हूँ, वहाँ पे मामा नहीं थी और मामा कहीं और ही पहुँच गई थी। मैं भी मामा के पास नहीं गई, मैं कज़न के घर आ गई। मैं सोचा मैं कज़न के साथ बैठूँगी थोड़ी देर और फिर मामा के पास जाऊँगी, लेकिन मेरा कज़न है ना, बड़ा ही बिजी बंदा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी बंदा है, लगा हुआ है इस टाइम पढ़ाई करने, और कुछ नहीं करता, पढ़ाई करता है इसलिए बिजी है। आमी, ऐसे कौन सी पढ़ाई हो रही है, कौन सी पढ़ाई हो रही है? टांगे फैला के, किताबें कहीं और हैं, फ़ोन कहीं और है, और चैटिंग हो रही है, ये कौन सी पढ़ाई है? क्लास ज्वाइन नहीं करनी? अच्छा, मतलब उसी टाइम लिंक सेंड करते हैं। अच्छा चलो, हाय करो ना? हाय करो। हाय। तो अब मैं चलती हूँ यहाँ से, और कज़न मेरा भी आ रहा है, बस उसको 2 मिनट लगेंगे और मैं यहाँ से निकलती हूँ और चलती हूँ। चलो कौन से, बाय बाय। तो अब चलते हैं मामा के पास डायरेक्ट। जी आऊँगी बाद में। तो अभी मैं चलती हूँ मामा के पास, पहुँच के आपसे बात करती हूँ। इस पहाड़ में से मुझे ऊपर जाना है, इधर 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 से। पहुंच गई मैं मेरी मामा के पास। अभी थोड़ा सा दूर हूं मैं मामा से, पहुंच ही गई। और मेरा कजन मुझे यहाँ पे छोड़ के वापस भाग गया। देखो यहाँ से कितनी खूबसूरती है, कितना प्यारा व्यू है। बंदा पूरे दिन यहाँ पे आराम से बैठ सकता है। देखो यहाँ पे पानी भी है, ये ज़्यादा है पानी। और हाँ गाइज, अगर आपको मेरा होम टूर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि होम टूर चाहिए, मैं अपना होम टूर कराऊंगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को आधा ही अपना घर दिखाया बाहर से, इतू सा ही। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसमें व्यूज अच्छे खासे आने चाहिए। आजकल आप कंजूसी कर रहे हैं व्यूज देने में। पहुंच गई मैं मेरी मामा के साथ, और मेरी मामा लगी है फ़ोन पे, वो लगी होगी अपनी बेटी के साथ। मामा, मामा कहाँ से आना है? ये मुझे कहाँ से जाना पड़ रहा है, देखिए इसके ऊपर से जाना है मुझे। उई मामा, मेरी माँ ने मेरे लिए जगह तो बनाई, बट अब दुआ ही करिए मैं उस पार पहुँच जाऊँ। मुझे तो नहीं लगता, पहले मुझे 1 घंटा लगेगा, तब तक आप रुके रहें जब तक मैं पार जाती हूँ।
गाइस, अभी मुझे एक चीज़ मिली, लेकिन वो आप लोगों के लिए है। वो चीज़ ये है, ये बहुत सारे लोगों को ये देख के कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी। बचपन में इस चीज़ से हमको शरारत करते थे। अगर आप लोग करते थे तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इस चीज़ से क्या शरारत की जाती थी। तो गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं पूरी भीग गई हूँ, मैंने तो स्वेटर भी नहीं पहनी थी। शौक चढ़ा था, विंटर ख़त्म हो गया, अब स्वेटर नहीं पहननी, वाट लगी ठंड से। यहाँ से मुझे उतरना है, नीचे वहां पहुंचना है। आई मामा, ये देखे मेरी मामा ने मेरी शेयर बनाए। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा गांव। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ ऊपर एक दूसरा गांव जाता है जिसका नाम मुकाम है। और यहाँ 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 से ये मेरे गांव का ट्रांसफार्मर है। एक रास्ता मेरे गांव का ये है, यहाँ से भी बहुत सारे घर हैं। और एक है ये रास्ता, और ये है मेरे चाचू का घर। पहले हम यहीं पे रहते थे, फिर हमने रोड पे घर बनाया, अब ये बन रहा है नया नया घर। यहाँ से मुझे मेरी छोटी कज़न ने देख लिया, उसने मुझे बोला कि मुझे भी अपने घर ले जाओ साथ, और जब भी वो हम में से किसी को देखेगी यहाँ से, उसको तो घर आना ही आना है। तो अभी वो तैयार हो रही है, जल्दी जल्दी वो तैयार हो जाती है, उसके बाद हम चलते हैं घर और दिखाती हूँ कि यहाँ से कितना दूर मेरा घर है। और अभी यहाँ पे मैं हूँ। ये कर रहे मेरी कजन को तैयार, अब सो गए। तो बच्चा हो गया तैयार, अभी हम चलते हैं। यहाँ पे ये प्यारे प्यारे फूल हैं, जब हम छोटे थे तब भी यहाँ पे ये होते थे, और हम इनको निकाल के फिर इनका वो स्टैम्प बनाते थे। अभी भी मैं निकाल के ले जाती हूँ नोमान को दिखाने के लिए। नोमान को फूलों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, नोमान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं फूलों को देख के। अभी फ़िलहाल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। चलो 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 बच्चा। और इसके बाद आ जाती है हमारी मस्जिद, ये जामिया मस्जिद रिसेंटली ही बनी। ये जो रोड है, ये मेन रोड से लिंक रोड निकलता है गांव में जाने के लिए। मैं बट मेन रोड पे ही रहती हूँ। ये देखिए इस गाड़ी की हालत। ये यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर हुआ करता था, और ट्रांसफार्मर की वो लीड जो थी वो इसके ऊपर गिर गई और ये गाड़ी जल गई। तब से ये गाड़ी बेचारी यहीं पे पड़ी हुई है, इसको किसी ने यहाँ से नहीं उठाया। मेरी अपील है कि इसको यहाँ से उठा लिया जाए। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखें मैं कितनी भीग गई।
और ये बारिश से बुरी हालत, ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये मेरे घर पे इसकी लाइट जाती है। सो गाइज, आपको मेरा विलेज टूर कैसा लगा? तो अगर आपको ब्रीफली चाहिए हो आप मुझे भूलेगा, मैं सही से भी आपको दिखाऊंगी। ये बस थोड़ा थोड़ा ही था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और अगर आपको मेरा होम टूर चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही रहेगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।